अक्सर लोगों को इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। ऐसे में मार्केट जाते हैं, बहुत सारे टाइप के चूर्ण लेकर आते हैं, एक लेकर आए उससे फायदा नहीं हुआ तो दूसरा चूर्ण लेकर आए, तीसरा चूर्ण लेकर आए, चौथा चूर्ण लेकर आए, पर जब चूर्ण ट्राई कर करके थक गए, फिर हमने अल्ट्रासाउंड कराया तो पता चला कि फैटी लीवर है। अब इस फैटी लीवर को ठीक करने के लिए डॉक्टर के पास गए मेडिसिन लेने, पर मेडिसिन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप मेरी बताई गई हुई इस चीज को चुटकी भर पानी में डालकर पी लेते हैं तो आपका जो फैटी लीवर है वो एक महीने के अंदर खत्म हो जाएगा। तो ये फैटी लीवर कैसे ठीक होगा और कैसा पता चलेगा कि आपको फैटी लीवर है, जानते हैं आज अपने इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डाइटिशियन सुधा मौर्या और आप सभी लोग देख रहे हैं अपना चैनल सुधा डाइट की। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, फैटी लीवर आजकल बहुत ही आम समस्या हो चुकी है, जैसे डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल हाई होना, ये सारी चीजें आम हो चुकी है। इस तरीके से फैटी लीवर भी बहुत आम हो चुका है। आप अल्कोहल पीते हो या ना पीते हो तब भी फैटी लीवर होना बहुत ही आम बात है, क्योंकि फैटी लीवर का सीधा नाता है आपके खान पान और लाइफस्टाइल से, जो कि अच्छा नहीं होता है आजकल के समय में। तो अगर आप फैटी लीवर से सफर कर रहे हैं तो मेरी ये बताई गई ये चीज को चुटकी भर डालकर अगर आप पानी में पी लेंगे या और भी दो तरीके जो मैं आपको बताऊंगी, इस तरह से अगर आप लेते हैं तो आपका फैटी लीवर एक महीने के अंदर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। वो चुटकी भर चीज है हल्दी। अब आप कहेंगे हल्दी तो हम सब्जी में खाते हैं, पर ये मैं उस हल्दी की बात नहीं कर रही हूँ जो कि आप घर में किचन में यूज करते हैं। मैं लैंटो तुत्ती की बात कर रही हूँ, जो कि बहुत ही खास हल्दी होती है, क्योंकि जो हल्दी का जो मेन गुण होता है जिसकी वजह से फैटी लीवर ठीक होता है वो होता है करक्यूमिन, जो कि हमारे खाना बनाने में जो हम लोग हल्दी यूज करते हैं उसमें से 2-5% ही होती है, क्योंकि करक्यूमिन जो होती है वही फैटी लीवर के इन्फ्लामेशन को कम करती है, उसके टॉक्सिन्स को रिमूव करती है। पर ये तो सिर्फ 2-5% ही होता है करक्यूमिन, लेकिन मैंने आपको जो हल्दी बताई है उस हल्दी को अगर आप लेते हैं तो इसमें जो करक्यूमिन होता है ये 8-12% होता है, मींस 4-5 गुना ज्यादा नॉर्मल हल्दी से। तो सोचिए अगर आप एक महीने इस हल्दी को लेते हैं तो आपको कितने ज्यादा फायदे मिलेंगे। फैटी लीवर की प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें इनडाइजेशन होना, ऊपरी एब्डोमेन का बाहर निकल आना, या जैसे ही खाना खाते तुरंत फ्रेश होने जाना, या पेट में बहुत ज्यादा दर्द होना, ये सारे फैटी लीवर के सिम्टम्स होते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम हो तो समझ जाइए कि आपका लीवर जो है वो फैटी हो चुका है। पर सिर्फ सिम्टम से जज मत कीजिए, आप अल्ट्रासाउंड जरूर कराइए ताकि आपको ये पता चल सके आपको ग्रेड 1 फैटी लीवर है, ग्रेड 2 है या ग्रेड 3 है, लीवर सिरोसिस हो चुका है। चारों ही कंडीशंस अलग होती है, ग्रेड 1 बहुत ही कॉमन होता है, ग्रेड 2 आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ग्रेड 3 मीन्स आपकी बहुत ही सीवियर कंडीशन हो चुकी, और जो लीवर सिरोसिस होता है इसके बाद इंसान का लीवर डैमेज हो चुका होता है। इसलिए इन सब कंडीशन से आने से पहले अगर आप फैटी लीवर ग्रेड 1 है या ग्रेड 2 है तभी आप संभल जाइए और इन चीज़ों को ठीक करिए। इन चीज़ों को ठीक करने के लिए आपको अपनी डाइट को ठीक करने की जरूरत है, लाइफस्टाइल को ठीक करने की जरूरत है, हाई फाइबर फूड लेने की जरूरत है। इसके अलावा अगर आप कॉफ़ी, लहसुन, हल्दी, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, साबुत अनाज, साबुत हरी सब्जियां, ब्रोकली, ग्रीन टी और नट्स, इन चीज़ों को लेते हैं तो ये भी आपके फैटी लीवर को ठीक करने में बहुत फ़ायदा करती हैं। लेकिन आपको इन कंडीशंस में सॉफ्ट ड्रिंक्स और जो सफ़ेद ब्रेड होती है, सफ़ेद पास्ता होता है, और जो चावल होता है या मार्जरीन या तला हुआ जो भी चीज़ें होती हैं, इन्हें आपको अपनी डाइट में नहीं लेना होता है। और आप सूप, वेजिटेबल दलिया, दाल, चावल और आप लोग ये सब चीज़ें ले सकते हैं। साथ ही में पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, सुबह खाली पेट मूंग की दाल का पानी पीजिए, सुबह सुबह नींबू के साथ में गर्म पानी लीजिए, लौकी, सफ़ेद कद्दू, खीरा और हरे पत्तेदार सब्जियों का जूस या हरे पत्तेदार सब्जी ज़रूर लें अगर आप अपने फैटी लीवर को बिल्कुल जड़ से ठीक करना चाहते हैं तो। और जो मैंने आपको हल्दी बताई है वो लेने की ज़रूरत है। ये हल्दी आपको अमेजोन पर आराम से मिल जाएगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस टाइप की दिखती हल्दी। आपको इसका बाय लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा, मंगा लीजिएगा और आपको कितना फ़ायदा क्या मुझे ज़रूर बताइएगा। पर अभी मेरी वीडियो खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि इसको लेने का सही तरीका क्या है। पहला तरीका तो यही है कि आप एक चुटकी गुनगुने पानी में डाल करके सुबह खाली पेट ले लीजिए। दूसरा तरीका है रात में सोते समय दूध में डाल करके लीजिए, जो कि गोल्डन मिल्क बहुत ही कॉमन है आप, लेकिन घर की हल्दी डालते, लेकिन इसमें आप लैंटो हल्दी को डालिएगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले, आपका फैटी लीवर ठीक हो और आपको रात में अच्छी नींद आए। तीसरा तरीका होता है काढ़ा बना करके, आप जब भी काढ़ा बनाते हैं तो उसमें चुटकी भर इसको ज़रूर डाल दीजिए ताकि आपका ये फैटी लीवर ठीक हो जाए। चौथा तरीका है आप लोग इसका पेस्ट बनाकर रख लीजिए, अगर आप लोग इन तीनों में से कोई भी चीज़ नहीं ले सकते तो पेस्ट बनाकर रख लीजिए और जब खाना खाइए तो उसमें चुटकी भर ऊपर से मिला लीजिए।
इसलिए ताकि अगर आप सब्जी में पकाएंगे तो इसका कर्क्यूमिन फिर कम हो जाएगा, आप उसे अगर ऊपर से मिलाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगा। तो मेरे बताए गए इन चारों तरीकों को जरूर आजमाइएगा और इन चारों से जो पसंद है वो आप इसको फॉलो कीजिएगा और फिर देखिएगा एक महीने में आपका फैटी लिवर कितनी जल्दी ठीक हो जाता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल को अचीव करने में, फैटी लिवर को ठीक करने में यूजफुल लगा तो मेरी इस वीडियो को लाइक करना, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी रहिए, फिट रहिए। थैंक यू, बाय बाय।